नमस्कार साथियों, नवीन सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज क्लास तो नहीं बोलेंगे बल्कि ये कहेंगे कि जो कट ऑफ का एनालिसिस है उसमें आप सबका स्वागत है। वैसे तो मुझे कट ऑफ की क्लास संडे को ही डालनी थी, लेकिन मैंने मुझे लगा कि 3-4 दिन और एनालिसिस करना चाहिए कि क्या सॉरी 3-4 दिन एनालिसिस और करना चाहिए कि बच्चों के केमिस्ट्री के अंदर नंबर कितने आ रहे। तो फाइनली जो एनालिसिस हुआ उसमें मुझे ये लगा कि बच्चों ने सिली मिस्टेक्स काफी ज्यादा की है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा इजी था, तो इजी होने के कारण बच्चों से सिली मिस्टेक्स काफी ज्यादा हुई है। और उसके बाद जो फाइनली मैंने स्टूडेंट्स से जो मेरे पास फाइनली निकल कर आया है, चाहे वो मेरे यहाँ क्लास में पढ़े हुए हैं या जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की थी, उसके बाद फाइनली ये निकल के मेरे को जो लगा वो ये लगा कि केमिस्ट्री में जो जनरल कैटेगरी है, जनरल बॉयज की बात कर रहा हूँ। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इस बार बॉयज और गर्ल्स के नंबर में अंतर आएगा, क्योंकि जो ACF जैसी एग्जाम्स होती है उनमें गर्ल्स की तुलनात्मक संख्या कम है, और अगर यही एग्जाम फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड का होता तो वहां गर्ल्स की संख्या ज्यादा होने के कारण बॉयज और गर्ल्स का कट ऑफ करीबन करीबन बराबर जाता है। लेकिन यहाँ कट ऑफ में डिफरेंस आएगा, उसका रीजन यह है कि ACF में ज्यादातर बॉयज ने फॉर्म ज्यादा फिलअप किया है, बॉयज ने ज्यादा एग्जाम्स को दिया है तुलनात्मक रूप से गर्ल्स के, तो गर्ल्स और बॉयज के कट ऑफ में थोड़ा सा अंतर आएगा। मैं यहाँ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मेरा मानना यह है कि जो जनरल बॉय है उसके लिए जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 101 + 2 - 2। अगर इतने क्वेश्चंस उसके केमिस्ट्री में आ रहे हैं तो वो ये मान के चले कि वो अभी ACF की दौड़ में है। दूसरा हम ये नहीं कह सकते, दूसरा सब्जेक्ट मैं नहीं जानता तो मैं नहीं कह सकता कि उसका क्या क्रिटेरिया रहेगा, लेकिन जो मेरा मानना है केमिस्ट्री के अंदर 101 + 2 - 2 ये एक आइडिया है, चेंज हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि सर ऐसा नहीं, बस एक मेरा मानना है पेपर का एनालिसिस करने के बाद 101 + 2 - 2 यानी 100 से लेकर 103, 104, 102, 103 से ऊपर जो है वो सब अपने आप को ये माने कि केमिस्ट्री में हम काफी सेफ है। अगर इसी बात को हम ओबीसी बॉयज के लिए कहें तो ओबीसी बॉयज के लिए मेरा मानना यह है कि 99 + 2 - 2 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी एक या दो क्वेश्चंस का अंतर रहेगा। अगर मान लीजिए जनरल 100 पे है तो ओबीसी बॉयज अपने आप को 99 + 2 - 2 पर सेफ माने, कहने का मतलब मोटे रूप में बात करें तो 99+ जिसके हैं वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए 3 गुना में जो RPSC का पैटर्न है उसमें आएगा, जो मेरा मानना है, ऐसा पक्का कोई नहीं कह सकता, एक आइडिया है। जो मेरा EWS बॉयज है, जो मेरा मानना है जो EWS के जो बॉयज हैं उनके लिए ये कट ऑफ 97 या 96 + 2 - 2 जाएगा, जो मेरा आकलन है 96 + 2 - 2 EWS बॉयज के लिए रहेगा। और जो SCST हैं, SCST के अंदर जो कैटेगरी में आ रहे हैं उनके लिए मेरा मानना है 90 + 2 - 2 जिसके क्वेश्चन केमिस्ट्री में है वो दौड़ में है। अगर इसी बात को गर्ल्स की कैटेगरी में लिया जाए तो जो जनरल बॉयज है 101 के आसपास है, तो मेरा मानना यह है कि जनरल गर्ल्स इसमें 97 + 2 - 2 रहना चाहिए। ओबीसी गर्ल्स की बात करें तो जो ओबीसी गर्ल्स है उसके लिए 95 + 2 - 2 सफिशियंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री में दौड़ के लिए। EWS जो गर्ल्स है उसके लिए मेरा मानना यह है, EWS गर्ल्स के लिए मेरा मानना यह है 93 + 2 - 2 क्वेश्चन सफिशियंट है अगर वो केमिस्ट्री में लेकर आ रही है दौड़ के लिए। और SCST गर्ल्स के लिए जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम रहेगा, शायद 85 + 2 - 2 क्वेश्चन उनके लिए सफिशियंट है। ये एक मोटा मोटा मेरा आकलन है कि शायद इतने क्वेश्चंस बच्चों के सही हैं तो वो दौड़ में रहेंगे। आगे आगे हम ये नहीं कह सकते, अगर मान लीजिए आपके पास ज्योलॉजी का पेपर है तो कुछ नहीं कह सकता मैं, हो सकता है एनवायरमेंटल का है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से मेरा मानना यही रहा है कि जो जनरल बॉय है अगर वो 103, 104, 102 इतने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और उनका GK और जो आपका इंग्लिश वाला पेपर और दूसरा पेपर ठीक हुआ है तो आप दौड़ में रहेंगे, केमिस्ट्री के कारण आप पीछे नहीं रहेंगे। ओबीसी बॉयज 100+ जिसके हैं वो अपने आप को माने कि वो दौड़ में रहेगा, केमिस्ट्री के कारण पीछे नहीं रहेगा। EWS बॉयज अपने आप को ये माने 97, 98 से ऊपर जिसके आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ माने, वो माने कि केमिस्ट्री के कारण मैं नहीं रहूंगा।
SC ST में 90 के आसपास जिसके क्वेश्चन सही बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ माने, वो दौड़ में रहेगा, क्योंकि कट ऑफ काफी ज्यादा हो जाता है नंबर्स का, क्योंकि आपके पास केवल एक ही पेपर नहीं है केमिस्ट्री, आपका एक दूसरा पेपर भी है, साथ में बहुत बड़ा GK भी था, बहुत बड़ा इंग्लिश का पेपर, मतलब इंग्लिश का सिलेबस बहुत बड़ा था। तो इस हिसाब से जो थोड़ा सा मेरा पहले आकलन था 110 क्वेश्चन, वो थोड़ा सा मुझे बाद में डाउटफुल लगा। उसका कारण यह है इतना बड़ा सिलेबस, क्योंकि पर्टिकुलर अगर केमिस्ट्री का पेपर होता तो मैं कह सकता था 110 प्लस वाला क्वेश्चन वाला सेफ रहेगा, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री के साथ आपको 3-4 पेपर और तैयार करने थे, तो हो सकता है आप सारी चीजों पर सभी बच्चे पूर्ण रूप से होल्ड नहीं कर पाए हो। इसीलिए जनरल बॉयज जो 103 104 हैं, 102 103 104 वो माने कि हम दौड़ में हैं, OBC बॉयज माने जो 100 प्लस हैं वो अपने आप को दौड़ में माने, EWS बॉयज 96 से ऊपर 97 98 अपने आप को दौड़ में माने, SC ST में 90 प्लस जिसके आ रहे हैं केमिस्ट्री में वो अपने आप को दौड़ में माने। गर्ल्स के अंदर मैं आपको बता दूं इस बार इंटरव्यू कॉल के अंदर डिफरेंस रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो एग्जाम्स होती हैं वहाँ गर्ल्स बॉयज के बराबर नंबर जाते हैं, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट गर्ल्स का बहुत ज़्यादा रहता है। ACF वाली जो एग्जाम्स हैं यहाँ पर गर्ल्स की संख्या कम रहती है, इसीलिए डिफरेंस आएगा। जनरल गर्ल्स और जनरल बॉय में ये मेरा पर्टिकुलर मानना है कम से कम 3-4 क्वेश्चन का अंतर आएगा, 97 प्लस 2 माइनस 2, OBC 95 के आसपास, और EWS का तो 90 92 93, और SC ST जो गर्ल्स हैं वो 85 प्लस 2 माइनस 2। थैंक यू आज के लिए इतना, और मेरा आपसे बार बार ये कहना है अगर आपको लगा कि नवीन सर ने आपके साथ चाहे रीट के टॉपिक्स डाले हों चाहे ACF के टॉपिक डाले हों अच्छे टॉपिक लगे आपको, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जल्द ही मैंने आपको बता दिया 12th के केमिस्ट्री के जो मॉडल्स पेपर हैं वो मैं डालूंगा, और हो सकता है कुछ ही दिन में मैं वापस फर्स्ट ग्रेड की क्लास भी आपको, फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो भी मैं जल्दी डालूंगा। आज के लिए थैंक यू।